शायद यही भूल हो गई हम लोगों को कि एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाए, इसीलिए आज सबको चाय बेचने के लिए मजबूर। गलती लग रही है, टीवी वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए केवल हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हैं। वो जानते हैं कि हमारा रेटिंग, आप जब वोट देने जाते हैं। हाथ जोड़ के बोलना चाह रहा हूँ, मैं मोदी जी को भी इस बार वोट दूंगा अगर वो राष्ट्रीय रोजगार नीति बना दे। अच्छा, बना दे तो। अगर वो रोजगार नीति नहीं बनाएंगे तो इतने युवा है ना, हम छत्तीसगढ़ से 80 लोग आए हैं, हम 80 लोग हर विधानसभा में हर घर घर में लोगों को जोड़ के जाएंगे और बोलेंगे मोदी जी को वोट मत दो, ये झूठ बोलता है। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें स्कूल बना दे, हमें शिक्षक चाहिए, भिक्षक नहीं बनना है। यही सम्मान है मोदी जी के राज में है कि आप रेप करवाओ, आप हत्या करवाओ, उसके बाद। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पर आज रोजगार या फिर मैं कहूँ बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन की शुरुआत करी है आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय ने, और इस वक्त मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि कितनी बड़ी भीड़ है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और कई सारे लोग हैं यहाँ पर। इंडिया में बेरोजगारी का दर जो है अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, जो है वो रिपोर्ट निकल के आई है, 28% बेरोजगारी, युवा बेरोजगारी इस देश में इस वक्त मौजूद है, और हमारे पास काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात भी करेंगे। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं पूर्णिया से आया हूँ, बिहार से। पूर्णिया बिहार से, और डगरा ब्लॉक से, टोली पंचायत से। अच्छा, बेरोजगार के लिए सर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर, नौकरियाँ नहीं मिल रही है और सड़कों पे उतर गया है, लड़का लोग को नौकरी नहीं मिलने के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं सर। पकौड़ा बेच रहे हैं जी? तो मोदी जी तो कह रहे हैं पकौड़ा बेचना रोजगार है। नहीं सर, वो तो रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार होता तो जितने मिनिस्टर हैं पहले वो अपने बच्चे को लगवा दे कहीं पर। अच्छा, जो मिनिस्टर लोग हैं ना, अगर यही रोजगार है तो दूसरे के लिए तो पैसा वाला है, सब सब बाहर पड़ता भाई। अरे आप देखिए, अगर दूसरे का बच्चा अगर आपको पकौड़ा तोलने लायक लगता है तो पहले कोई एक मिनिस्टर, अपने भाजपा के जो मिनिस्टर लोग हैं वो अपने बच्चे को रोजगार लगा दे। अब अमित शाह देखिए, गृह मंत्री अपने बच्चे को वहाँ कहाँ लगा दिए हैं बताइए, क्रिकेट का अध्यक्ष बना दिए हैं बीसीसीआई में, तो वो अपने बच्चे को पहले एक बार एक दिन रोजगार के लिए तो लाए। और मोदी, नरेंद्र मोदी का कहना है कि परिवार, अमित शाह का बेटा जय शाह पकौड़ा तलेगा, आप तोलेंगे फिर सारे देश तोड़ लेगा, फिर सारे देश तोड़ लेंगे। अच्छा, अगर वो स्टॉल लगा ले दिल्ली के जंतर मंतर में, हम लोग भी लगा लेंगे। अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बड़ा भेदभाव है, अपने बच्चे को बड़े बड़े जगह पर सेट कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, और दूसरे के बच्चे को कह रहे हैं कि आप पकौड़ा तोलो, चाय की दुकान खोलो। शायद यही भूल हो गई हम लोगों को कि एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाए, इसीलिए आज सबको चाय बेचने के लिए मजबूर। गलती लग रही है आपको, वोट तो दिया था। गलती लग नहीं रही है, उन्होंने तो ये वादा किया था मेरे भाई कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और 2 करोड़ नौकरी नहीं देके 2 करोड़ नौकरी ले लिए, और जनधन खाते में 15 लाख रुपए देंगे। अच्छा, 15 लाख वो तो जुमला बोला था कि अगर अगर आ गया तो मिल जाएंगे, अगर आ गया, आया ही नहीं। देखिए, एक प्रधानमंत्री अगर कुछ घोषणा करे और उसको कोई जुमला कहे, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, ये हिंदुस्तान के लिए ये काला दिन हुआ, ये भारत के लिए ये काला दिन हुआ। और आप जानते होंगे हैं कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले के इतिहास में जाइए तो विदेश से लोग नौकरी करने के लिए भारत आया करते। कब? आज से 20 साल पहले चले जाइए आप, 1980 75 80 के दशक में, 90 के दशक में, भारत 90 के दशक में कौन सी हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी थी? जब बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था थी, कभी इस तरह का माहौल पैदा नहीं हुआ। अगर अच्छी थी तो ग्लोबलाइजेशन का ऐलान पड़ा। अच्छा अच्छा भैया, एक बात मालूम है आपको कि ये जो बाबा रामदेव है, उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले कि बच्चों, नौजवानों, तुम लोग सुनो, तुमको 30 रुपए का पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए कि या 70 का चाहिए? तो सब लोगों ने कहा कि हमको 30 रुपए का चाहिए। तो 30 रुपए का चाहिए तो तुमको सरकार बदलना पड़ेगा, तो यहाँ वाकई वोट डालना होगा तो 30 रुपए का मिलेगा। लेकिन आज क्या हुआ, हम लोगों ने 30 रुपए कह करके, आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना कि 30 रुपए का पेट्रोल मिल ही नहीं सकता है, आप भी तो जुमले में आ गए। बगल में मेरे भाई, हम लोग जो बिहार में है, मेरे बगल में नेपाल है, और कंट्री देश दुनिया का सबसे गरीब देश है, सबसे गरीब। आज वहाँ पर 65 रुपए लीटर डीजल है जो भारत से जा रहा है, और मेरे भारत में 100 के पार है। अब बताइए ये क्या है, देश हित में टैक्स नहीं भर सकते थोड़ा सा? टैक्स देखिए, टैक्स तो सारे जितना भी
पब्लिक का सबसे दिया जाता है जीएसटी से, हर चीज में टैक्स वसूला जाता है कि खाना में भी टैक्स दिया जाता है, देश हित में दिया जाता है, देश हित में तो दिया जाता है, खाने भी लगा, लेकिन ये टैक्स को तो ये तो नीरव मोदी लेके चला जा रहा है मेरा टैक्स को। नीरव मोदी कौन कौन चौकसी है सब लेके तो पैसा मेरा टैक्स का भाग रहा है। हाँ। टैक्स का सर पैसा मेरे भारत में रहता तब ना, इन्होंने कहा था कि आप बताइए कि अभी 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 सावन के मौके से हमारे गैर मुस्लिम भाई अभी जो है दूध दही का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा तो उस पर टैक्स लगा दिया, तो ये मुसलमान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए टैक्स लगा, नहीं हम लोग तो करते ही नहीं थे, आप लोग करते थे तो इसलिए आपकी दूध दही में भी टैक्स लगा दिया गया। हाँ। ये देखिए ये जो फ्रॉड आदमी होता है वो किसी का नहीं होता है। हाँ। जो बाप का बिगड़ा हुआ बेटा वो किसी का नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है। हाँ। जो गलत व्यक्ति होता है वो किसी का नहीं होता है। फ्रॉड बता रहे हैं सरकार को, आप मोदी जी को फ्रॉड कह रहे हो, गलत व्यक्ति बोल रहे हैं, गलत बात, गलत व्यक्ति, इज्जत करिए मोदी जी का, महापुरुष है वो, गलत व्यक्ति किसी का आदमी नहीं होता है। आप बताइए महापुरुष है कि नहीं है मोदी जी? पुरुष महापुरुष है लेकिन राजनीति ठीक नहीं है। महापुरुष है, महापुरुष है लेकिन राजनीति ठीक नहीं है। अच्छा, जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना, भारत में जो बेरोजगारी चल रही है ना, हर चीज में जीएसटी, दूध महंगा, दही महंगी है, सब्जियाँ महंगी, आम आदमी का, आपने बड़ा शेर पाला है सर, तो खर्चा तो होगा ना शेर का सर, शेर बताइए, हाथी हाथी पालेंगे तो चारे में पैसा तो लगेगा ना, पाला नहीं है, जबरदस्ती घुस आए हैं वो, याद वो आपने वोट नहीं दिया तो जबरदस्ती कैसे घुस गए? आईटी सेल का प्रोपगेंडा होता है। हाँ। आईटी सेल का प्रोपगेंडा, आईटी सेल बटन दबाने थोड़ी गया था, और जो बटन आपने दबाया था कि नहीं, हाँ या ना बताओ, जनता को हाँ या ना बताओ, बटन दबाए कि नहीं, वो अलग बात है, ये गलत, सुन तो लीजिए, जनता को गुमराह करने का इनका काम है, आईटी सेल वालों को इन्होंने प्रोपगेंडा बनाने के लिए पूरा, देखिए आईटी सेल तो है ही उसी चीज के लिए, सरकारें तो आईटी सेल का इस्तेमाल करेंगी, आपका है बटन, वही खर्चा जनता पे, बटन दबा के आइए झेलिए, नहीं नहीं वही, आपने राम मंदिर पे वोट दिया, आपने हिंदू राष्ट्र के लिए वोट दिया, अब रोजगार का है मांग रहे हैं, रोजगार पे वोट देना चाहिए था। मैंने नहीं दिया है, मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, नहीं दिया, राम मंदिर नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, बहुत अच्छा, राम मंदिर चाहिए, रोजगार भी चाहिए ना, राम मंदिर यानी चाहिए, राम मंदिर चाहिए तो रोजगार भी ना चाहिए, अभी लगेगा जब रोजगार होगा, जब रोजगार ही नहीं तो मंदिर का क्या करना है, घर में बुखार है, वहाँ घूमने के जाने के लिए पैसे तो चाहिए, पैसे के लिए रोजगार चाहिए, जब रोजगार नहीं होगा तो कैसा राम मंदिर देखेंगे, दान पेटी में डालेंगे क्या है? दान पेटी में कहाँ से डालेंगे, पहले तो पेट में, दान पेटी में डालना भी जरूरी है भाई, पहले पेट में डालेंगे तब दान पेटी में डालेंगे, हाँ जी आइए, रोजगार होगा तब ना दान पेटी में डालेंगे, दान पेटी में डालना जरूरी भी तो है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी, क्यों बिल्कुल जरूरी, रोजगार होगा तब ना हम दान पेटी में डालेंगे, जब रोजगार ही नहीं है तब दान पेटी में हम क्या देंगे। अच्छा, आज सरकार की नीयत और नीति दोनों ही खराब है, अगर नियत और नीति दोनों ठीक होता सरकार का तो युवा आज, अब देखिए मोदी जी का नियत खराब कैसे होगा बताइए, नियत खराब कैसे होगा, उनका ना बीवी ना बच्चा ना परिवार, किसके लिए चुराएगा बात, सरकार नहीं दे रहे हैं अभी तो, सरकारी आंकड़ा के हिसाब से 2014 के बाद, सुनिए 2014 के बाद अभी एक सरकारी रिपोर्ट आई है कि 22 करोड़ युवा छात्रों ने फॉर्म भरा रोजगार के लिए, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिल पाया, मिला ना 7 लाख, 7 लाख कितना है, 2 करोड़ रोजगार के बारे में बोले थे, 7 लाख क्या है उसके जगह पे, आप तो 8 साल हो गई सरकार को, और सबसे बड़ा हमारा देश युवा, युवाओं का देश है, यहाँ पे जितना रोजगार चाहिए हमें, सब पढ़े लिखे रखे सिर्फ बर्बाद हो रहे। ये बताइए थोड़ा अलग सवाल है, टीवी मीडिया ने ये सवाल उठाया आपका कभी? बिल्कुल उठाया, कब, जब 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 हम लोग, एक चैनल बताओ जिसने एक डिबेट की हो कि देश में रोजगारी, बेरोजगारी बहुत है, रवीश जी ने, उसके अलावा चैनल और जो पत्रकारिता जो है उसका जो बाजारीकरण हुआ है उसका सरकारों ने हर समय जब तक रोजगार नहीं मिला जब तक उसका फायदा उठाया गया, जब जब सरकारें बनी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और सवाल मीडिया बता, सवाल मीडिया बता, मैनिफेस्टो नहीं नहीं हाँ बताइए सर,
सोशल मीडिया पे सर। टीवी वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए केवल हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हैं, वो जानते हैं कि हमारा रेटिंग। तो आप देखते हैं टीवी? हाँ बिल्कुल देखता हूँ। काय देखते हैं अगर आपका मुद्दा नहीं उठाते तो? बस जानकारी लेने के लिए देखता हूँ। यानी कि आपको भी मसाले में मजा आता है? नहीं नहीं, आपको भी हिंदू मुसलमान देखना है? बस जानकारी के वास्ते देखते। देखिए सुनिए, जो भी मीडिया आपका सवाल ना उठाए, आपके मुद्दों की बात ना करे, आप देखते क्यों हैं? बहिष्कार क्यों नहीं करते आप? बस नेशनल खबरें, नेशनल खबरें हम लोग जो करेंगे बहिष्कार, बिल्कुल करेंगे, जो मीडिया हमारी आवाज उठाएगी। बहिष्कार हो रहा है और आपने देखना बंद कर दिया? दो महीना हो गया। हाँ सर, बिहार में अभी जब तेजस्वी जी शपथ लेने वाले थे, आज तक के जो फेमस पत्रकार है श्वेता सिंह, उनका देखिए किस तरह से बायकॉट किया गया, देखे ना क्या हाल हो गया, उनको मुंह उल्टे मुंह भागना पड़ा। वही हाल होगा अब नेशनल टीवी वालों का। वक्त होता है, समय समय का इंतजार लोग कर रहा है। कब तक सब्र काम कायम रहेगा आपका, ये बताओ? 2024 में बिहार जवाब देगा? 2024 शुरुआत हो चुकी है, 2024 में पूरा जवाब देंगे। अच्छा, छक्का है वहाँ पर? अच्छा जी, एकदम छक्का बिहार में बीजेपी साहब। अब मालूम है नीतीश कुमार आते ही, आप देखे होंगे 15 अगस्त में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री एक भी बात रोजगार में नहीं किया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 लाख रोजगार की बात की। 20 लाख? 10 लाख नौकरी और 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये नीतीश कुमार का जो सोच है, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री के लिस्ट में आना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए लड़वाएंगे जी, बिल्कुल। विशाल समाज के लोग मिलके इनको प्रधानमंत्री के चेहरा में लाएंगे। तुम युवा हो, क्या कर रहे हो ये बताओ? रोजगार रोजगार मांग रहे हैं। मैं कहा पढ़ाई क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर आईएससी कर रहे हैं। क्या आईएससी? आईएससी क्या है थोड़ा समझाओ? इंटर ऑफ साइंस। अच्छा, क्या करोगे उसके बाद? इसके बाद हम बी फार्मा करेंगे। डी फार्मा? बी फार्मा की डी फार्मा? बी फार्मा। बी फार्मा, अच्छा बहुत बढ़िया। हम इंजीनियर हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये इंजीनियरों के साथ समस्या क्या है यार? इंजीनियर इतने पैदा होते हैं देश में, काहे नहीं मिल रही है नौकरी? भैया बात इंजीनियर को काहे नहीं मिल रही है? बात ये है कि जिस हिसाब से हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, हमारा जो योग्यता है, उस हिसाब से हमको नौकरी नहीं मिल रहा, उस हिसाब से हमको सैलरी नहीं मिलता है। मैं बताता हूँ, मैं अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मैं इधर ग्वालियर क्षेत्र में काम करता हूँ, गुना शिवपुरी अशोक नगर तरफ कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, मैं उसमें काम करता हूँ। मुझसे एक सुपरवाइजर से लेके प्रोजेक्ट मैनेजर तक का काम कराया जाता है और सैलरी के नाम पर 15 से 20 हज़ार दिया जाता है। अब बताइए प्रोजेक्ट मैनेजर क्या 20 हज़ार लेगा? इतना काम किया जाता है, 12 से लेकर के 14 घंटा काम करते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं, उसके बावजूद भी कंपनी वाले बोलते हैं कि आप काम चोर हैं, आप काम नहीं करते हैं, तो क्या करेगा? तुम भी आए हो आंदोलन करने इधर आओ। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 8th class। 8th class में आंदोलन करने आए हो? हाँ जी। बेरोजगारी पता है क्या होता है? हाँ जी। क्या होता है बेरोजगारी? मतलब जिसमें हमें हमारा नौकरी ना मिले, एक तरह से नौकरी नहीं मिली उसको बेरोजगार कहते हैं। हाँ जी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं बड़ा होकर IITN बनना चाहता हूँ। IITN बनने चाहते हो? ये तुम्हारा एम्बिशन है IITN बनना? यस सर। पढ़ाई करना एम्बिशन है? हाँ जी हाँ जी। IIT के बाद? IIT के बाद तो सर एक तरह से इसको बैकअप प्लान बनाकर UPSC। UPSC? हाँ जी। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे, बताओ? फार्मर है। फार्मर है, कहाँ से आए हो? मैं न्यू दिल्ली से, साउथ वेस्ट दिल्ली। साउथ वेस्ट दिल्ली से? हाँ जी हाँ जी। बढ़िया। देखिए किसान का बच्चा भी IIT का सपना देख रहा है। इस देश का जब तक युवा ये नहीं सोचेगा कि मुझे ऊंचे पदों तक जाना है, IAS PCS बनना है, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। हमें हमेशा अपने सपनों को जिंदा रखे रखना है, उसकी बहुत जरूरत है। नमस्कार मैम, कहाँ से आई हैं? मैं RKpuram विधानसभा से आई हूँ, दिल्ली से ही आई हूँ, और अपने बच्चों के लिए रोजगार के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं और अभी नौकरी की चाहत में हैं, तो जब तक उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो रोजगार होगा तभी वो हमारी सेवा कर पाएंगे और हमारा भविष्य भी उज्ज्वल हो पाएगा। बच्चे ही हमारा देश का भविष्य है, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने कितनी क्या कहते हैं रोजगार बांट दिए? रोजगार देखो, कोई डेटा है? डाटा जो बसों में लगे हुए हैं मार्शल, वो आम आदमी पार्टी नहीं दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक जो नए खोले हैं उसमें भी रोजगारी के तहत आया है, तो इस तरह से अलग अलग नीतियों में रोज। मोहल्ला क्लिनिक की तो स्थिति कुछ ठीक है नहीं? मेरे घर के आसपास ही 4 मोहल्ला क्लिनिक है, पिछले 2 महीने से बंद है। मैं आपके मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं करती, मेरे RKpuram में आइए, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक आप
आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं? हाँ, मैं समर्थक कार्यकर्ता भी होंगी, कार्यकर्ता हूँ ना, ऊपर समर्थक जरूर हूँ। समर्थक जरूर है, तो आपसे सवाल तो बनता है ना कि मेरे एरिया के खराब क्यों है? अब आपके एरिया में आप जब तक आवाज नहीं उठाओगे किसी चीज के लिए, आप हमें दिखाइए, हम आपके विधायक कौन है विधायक आपके एरिया में? गोपाल राय जी ऐसा हो ही नहीं सकता, गोपाल राय जी अपनी एरिया में ऐसी बातें करें। देखिए नेशनल दस्तक सुनिए नेशनल दस्तक सब्सक्राइब कीजिए, अगले दो दिन में उन चारों मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। चलो अच्छी बात है, हम गोपाल राय जी से भी खुद भी पूछेंगे, अगर वो उनके एरिया में इस तरह के हैं तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने एरिया की बात करती हूँ, मेरे एरिया में बिल्कुल भी स्वस्थ। और हमारे एरिया की एक पार्षद है रेखा त्यागी, ठीक है, आम आदमी पार्टी से हैं। हमारे मेरा घर जिस गली में है उस गली की वो जो गली है पिछले 15 साल से नहीं बनी, ठीक है। एक टर्म ये रैली, जब इलेक्शन पास आ गया ना 2 महीना पहले इन्होंने सड़क बनवाई है, पूरा साल क्या कहते हैं 4.5 साल का। अब देखो सर, मैं किसी और की बातों पे विश्वास करती नहीं हूँ, मैं अपनी बात पे विश्वास करूंगी, आप मेरे एरिया की बात कीजिए। गोपाल राय जी हमारे मोहल्ले में आए थे, हमने गोपाल राय जी से मैंने खुद ने जाके शिकायत करी, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने शिकायत कीजिए, जागरूक होइए, क्योंकि हर आदमी जागरूक होगा तभी तो देश। शिकायतें करते ना सुनवाई ना हो, शिकायत करोगे तभी सुनवाई होगी ना। जो बंदे आंख बंद करके बैठे होंगे शिकायत भी, कोई जागरूक होता है वही शिकायत करता है, और जागरूक होगा तब तो गोपाल राय जी की भी आंखें बंद है थोड़ी लगता है। वो आप कह रहे हो, मैं थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नागरिक हूँ। तो आप बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल सकती हूँ, जब तक कोई चीज मैंने प्रैक्टिकली देखी ना हो मैं उस चीज के बारे में कैसे बोल सकती हूँ। देखिए ये ट्रेनिंग है, ये कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है, जवाब सवाल को ढक कैसे करना है। मतलब क्या करते हैं आप? भैया मैं तो काम करता हूँ सिलाई का, सिलाई काम। कहाँ रहते हैं? ओखला रहता हूँ। ओखला रहते हैं, तो क्यों बेरोजगारी कहाँ दिखाई देती है यार? राम राज्य है इस देश में, कहाँ राम राज्य है? तुम्हें नहीं दिख रहा है? छत्तीसगढ़ में सरकार ने 5 लाख विज्ञापन देने का एक विज्ञापन छपवाया है, 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। जब विधानसभा में इनको सवाल पूछा गया तो उनका जवाब आता है 20,000 लोगों को रोजगार दिया। छत्तीसगढ़ में तो लोगों को गोबर बिनवा रहे हैं, आज पूरे देश में रोजगार नहीं है। हम लोग ईमानदारी से रोजगार आंदोलन में रोजगार नीति बनवाने के लिए आए हैं। रोजगार नीति इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हम जिस राज्य से आते हैं छत्तीसगढ़ से, वहाँ हीरा है, लोहा है, कोयला है, सोना है, जंगल है, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। हमारे बाजू में पहाड़ है जहाँ लोहा ढुलाई होता है, लेकिन उस गांव के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। हमारे यहाँ बिजली है, हम 6 राज्यों को बिजली बेचते हैं, उसके बावजूद ही कई बिजली कंपनियों के कई ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो संविदा में हैं, 8,000-10,000 तनख्वाह मिलती है उनको। हम जब मुद्रा योजना में, एक मेरा साथी आया है, मुद्रा योजना में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वो रोजगार आवेदन डालने गया था कि व्यवसाय कर लेगा, रोजगार तो नहीं है सरकार के पास, व्यवसाय कर लेगा। जब वो आवेदन डाला तो वो वहां से तो पास हो गया स्वरोजगार योजना से, लेकिन बैंक में जाके उसको निरस्त कर दिया कि तुम्हारी गारंटी क्या है, तुम तो बेरोजगार हो, तुम्हारी क्या गारंटी है। तो सरकार रोजगार युवाओं के लिए योजना भी लाती है और कहती है रोजगार गारंटी भी दे बेरोजगार, तो कहां से देगा? ये सरकारों को छल कर रही है। हम चाह रहे हैं कि एक कानून बने, राष्ट्रीय रोजगार नीति। कानून में क्या लिखा है ये पूरे देश के लोगों ने बनाया है। कानून में ये चीज लिखा है कि अगर सरकारी विभागों में पद रिक्त है तो सरकार को 1 महीने में उस पदों को भरना पड़ेगा। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी। आज कोई बंदा कहीं काम कर रहा है प्राइवेट में, कोई 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, लेकिन महंगाई कितनी है, न्यूनतम मजदूरी नहीं। देखिए सरकार जो है वो सभी को रोजगार तो नहीं दे सकती है। दे सकता, बिल्कुल कैसे दे सकता बताओ? इसलिए दे सकता है कि हमारे पूरे भारत देश में इतनी संपत्तियां हैं, इतनी पर्यटक स्थल है, धरोहर है, उससे वहां पर कुटीर उद्योग डाल करके, जैसे मान लो हम छत्तीसगढ़ से आते हैं, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता बहुत सारे होते हैं, तो उस तेंदुपत्ता जो एरिया में आता है उस जगह पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग डाले उसमें। वहाँ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सुनील किरण, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ। लेकिन हम इसलिए आए हैं कि पूरे भारत देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति का कानून बने और सभी को समान काम समान वेतन मिले। ये कौन कहता है? कानून कहता है भाई, इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अगर आप सरकार ये कहती है कि सरकार के पास इतना फंड ही नहीं है, इतना टैक्स कलेक्शन ही नहीं है कि सबको रोजगार दे सके, सबको ग्रेजुटी दे सके, सबको पेंशन दे सके। हमारे सुनिए डेटा बता रहा हूँ उसके बाद, ठीक है।
हमारे देश का जितना मेजॉरिटी बजट जो है वो वेतन देने में खर्च होता है, इसीलिए हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार इसलिए कहता है ना, सरकार की मेजॉरिटी ज्यादा है उसको, और इसको एफिशिएंसी नहीं कहते इकोनॉमिक्स के नजर से। अगर वो सरकार को उसको लगता है कि हम तो पूरे भाई अभी सरकार जो सत्ता में है पूरे बल बूते में है, पैसे की भारत देश में कमी नहीं है। 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था 4 साल पहले। अच्छा, 36,000 करोड़ का नान घोटाला, नान घोटाला जो धान खरीदती है सरकार छत्तीसगढ़ में, वो नान घोटाला 36,000 करोड़ का हुआ था। अगर वो 36,000 करोड़ युवाओं में बांटते तो युवा रोजगार कर सकते, अपना रोजगार मिल सकता है उनको, नौकरी दे सकते। घोटालेबाज सरकार है। अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कुछ दिन, अडानी अंबानी का 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, तो हम लोग का पैसा क्यों, हम लोग का लोन। आपका आपकी लोकसभा कौन सी लगती है? मेरा महासमुंद। महासमुंद कौन है? सुनीलाल साहू जी हमारे सांसद हैं। हाँ। हम उनसे मिले थे रोजगार आंदोलन के लिए। कौन सी पार्टी की? वो भाजपा के हैं। भाजपा के हैं। काहे जिताया? जिताया थे 2 करोड़ नौकरी देंगे करके हमसे वादा किया था, इसलिए जिताए थे। 2 करोड़ नौकरी का वादा 2014 में किया था। तो भाई है, 19 में भिड़ जिता दिए, फिर आ गए हमारे पास कि इस बार हमको रहने दो। हाँ। लेकिन बार बार ये झूठी बोलते हैं हमसे। अच्छा, आप भोले हैं कि मतलब बार बार मौका देने की आदत पड़ गई है? देखिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, वो आए बोले हमने 5 साल, वो एक ही पार्टी थोड़ी लड़ी होगी, हर बार सुनिए ना, एक ही पार्टी थोड़ी लड़ी होगी, भाजपा ही लड़ी थी, कांग्रेस लड़ी थी, कांग्रेस को देना ही मूर्खता है। हाँ। कांग्रेस लड़ी थी, कांग्रेस खत्म, अब भाजपा को दिया हमने। वो यही बोले हमसे कि आपने इतने सालों तक हमको वोट दिया, लेकिन दो चार एक बार और वोट दीजिए। मुझे लग रहा है आप भोले हैं, आप हर बार मौका देने में फंस जाते हैं। नहीं, हमारे मौका देने में फंस, हमारी मजबूरी है सर, समझिए, पहली बार हमारी मजबूरी है, हमको वोट तो देना है। कांग्रेस और भाजपा वाले थे तो कांग्रेस को नहीं दिए, भाजपा को दे दिए, हमारी मजबूरी थी ना। और हम तो चुनाव लड़ नहीं सकते क्योंकि गरीब आदमी तो चुनाव लड़ता नहीं है, ये देश का ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए क्या? अरे मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरा पेट भरेगा तभी तो मंदिर जाऊंगा, पहले पेट का रोजी रोटी, पहले रोजी रोटी चाहिए, पहले भोजन चाहिए, उसके बाद मंदिर चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं इसकी थ्योरी क्या है। आप जब वोट देने जाते हैं ना, तो आपके दिमाग से 2 करोड़ रोजगार, 28% अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब उड़ जाता है। आप जब वोट देने जाते हैं, हाथ जोड़ के बोलना चाह रहा हूँ, मैं मोदी जी को भी इस बार वोट दूंगा अगर वो राष्ट्रीय रोजगार नीति बना दे। अच्छा, बना दे तो, अगर वो रोजगार नीति नहीं बनाएंगे तो इतने युवा है ना, हम छत्तीसगढ़ से 80 लोग आए हैं, हम 80 लोग हर विधानसभा में, हर घर घर में लोगों को जोड़ के जाएंगे और बोलेंगे मोदी जी को वोट मत दो, ये झूठ बोलता है, मोदी जी को वोट बोल। अच्छा, कौन सी नई डोज देंगे? थोड़ा आगे आइए, कौन सी नई डोज देंगे? उनके पास तमाम किस्म की डोज है, लोग बदलते रहते हैं। जैसे अब देखो, रोजगार के लिए लोग बात करेंगे तो इसको बदलने के लिए, इसको भुलाने के लिए कुछ और नया पंगा डाल देंगे। अभी देखो, बिल्किस बानो का सीन आया, इसके बारे में सरकार क्या कहेंगी? कितना गलत चीज है, क्या कहेगी बताओ, बताइए आप। अब आजादी दे दी, अब क्या करें? किसने दी आजादी? अरे उन 11 लोगों ने, सुनिए, आजादी किसने दी? मेरी बात सुनिए, हमने ली छीन के आजादी। मेरे भाई सवाल तो पूरा सुनो। तुम्हें लग रहा है मैं अपनी देश की आजादी के बारे में बात कर रहा हूँ? तो फिर किसकी बात करो बताओ? उन 11 अपराधियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मर्सी पिटीशन लिखी गई, कानूनी तरीका है, मर्सी पिटीशन लिखी गई, एक्सेप्ट हो गई। तो क्यों हुई वो एक्सेप्ट? हाँ। क्यों हुई जब इसके इतने, हमारे पास कानून नहीं है उसके बारे में। हाँ। जो बिल्किस बानो का केस है उसके बारे में कानून नहीं है। हाँ। कैसे आप माफ कर सकते हो? मतलब शर्म नहीं आती, दिल पे बैठता नहीं है? सोचो अगर तुम्हारी बच्ची होती फिर माफ कर देते? फिर ये अफसोस की बात है। हमारा जो कानून है वो किस तरफ जा रहा है, हमारा जो देश है वो किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। और रोजगार चौके आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल ठीक बात है, इन सब मुद्दों पे ना इसी सेंसिटिविटी के साथ बात होनी चाहिए। हमने मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन वो किस ग्राउंड पे करी, उनका अपराध कितना जघन्य था, इस पे सवाल होना। रोजगार बहुत बड़ी चीज है यार, इस टाइम पे बहुत परेशान है लोग, रोजगार मिलना चाहिए। हमारे पास रोजगार नहीं, हमारे पास क्या 3-3, 4-4 हजार रुपए में क्या लोग काम करेंगे? देखिए, एक ना मैं जाता हूँ वहाँ पे भी सुतरे 8,000 रुपए, बंदा रेंट निकालेगा, बंदा खाना खाएगा, क्या करेगा 8,000 रुपए में का? ये सोचना चाहिए सरकार को।
जो भी लोग हैं, जो भी वोट कर रहे हैं, जो भी जिता रहे हैं, जो उसको देखो। देखिए गोपाल राय जी हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। गोपाल जी और कितना लंबा चलेगा ये आंदोलन? नहीं, ये आंदोलन तो कल 16 से 22 तक का था, तो कल आगे के आंदोलन की रूपरेखा वो घोषित होगी। जी देखिए गोपाल राय जो हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँच गए हैं और बड़ी भीड़ है यहाँ पर इस वक्त, और हम आपको यहाँ पे दिखाते रह रहे हैं और क्या क्या हो रहा है यहाँ। देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी कितनी भीड़ है और गोपाल राय यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार मैडम, कहाँ से आए? दिल्ली से, करोलबाग। करोलबाग से? हाँ जी। तो देश में इतनी बेरोजगार हो रहे सारे देश के अंदर, तो यहीं पे रुके, यहीं पे देखने का तौर पे आगे बेटा हम, तो कि क्या हो रहा जंतर मंतर में। अच्छा, देखने ही आए? यहाँ आके पता लगा कि आंदोलन हो रहा है यहाँ पे। हमारे तो पति है, हमारे बेटे, काम धंधा ही नहीं है यहाँ पे अब तो। क्या करते थे? काम नहीं है, बेरोजगारी करते बेचारे। मतलब अब पहले क्या काम करते थे? यही बेरोजगारी करते आए शुरू से अब तक। अच्छा। काम नहीं है बिल्कुल, फैक्ट्रियां बंद हो गई। अच्छा। फैक्ट्रियां दूर दूर भेज दिए तो कहाँ जाएंगे बच्चे बेचारे, परेशान हो गए हम तो, बहुत परेशान हो रहे हैं। हम आप कहाँ से आए? करोलबाग। करोलबाग से आपको? देखिए इतनी बेरोजगारी दिखती क्यों है, देश में तो राम राज्य है। सर बेरोजगारी है, किसी को कोई काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। राम राज्य नहीं चाहिए आपको? राम राज्य होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सबको बेरोजगारी की समस्या भी दूर होनी चाहिए ना सर। थोड़ा मोदी जी को आपने ही वोट दिया था सर? मोदी जी को हमने वोट दिया, हम मोदी जी को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो हर चीज पे जीएसटी लग रहा है, जैसे खाने पीने की चीजों पे और सब चीजों पे, वो सब चीजें तो देखनी चाहिए ना। जीएसटी तो हटानी चाहिए ना, जीएसटी हटनी चाहिए। हाँ जी, माँ के दूध पे जीएसटी क्यों नहीं लगाए? माँ के दूध पे भी जीएसटी लगानी चाहिए थी, जो माँ बच्चों को दूध पिला रही है तो उसमें तो जीएसटी लगानी चाहिए थी। माँ को कहना चाहिए कि बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दो, ये बताओ ऐसे कैसे चलेगा देश। माँ को पेट भर के खाना नहीं मिलेगा, माँ को एक गिलास दूध नहीं मिलेगा तो कैसे बच्चे को दूध पिलाएगी माँ भी? ये देखो माँ कुछ खाएगी जब तो दूध बनाएगी बच्चे के लिए, जब तो बच्चे को दूध पिलाएगी वो माँ। माँ के दूध पे क्यों नहीं जीएसटी लगाई इसने, मोदी सरकार ने? बेरोजगार मोदी जी का परिवार ही नहीं है, कहाँ है? बीवी बच्चे नहीं है? अगर बीवी बच्चे होते तो एहसास होता कि बच्चे भूखे क्या? यही तो ईमानदारी का मानक है कि बीवी बच्चे नहीं है तो चुराएंगे किसी के लिए, किसके लिए चुराएंगे ही नहीं फिर वो चुरा के जनता अपना पेट भर रहा है, अपना पेट भर रहा है। अरे वो अकेला आदमी कहाँ, पूरा देश तो लूट लिया उसने, क्या छोड़ा है हमारे देश में? हाँ। कुछ छोड़ा है? राम राज्य ला के दिया है उन्होंने, इसने राम राज ला के दिया, बर्बाद कर दिया हमें, और ऐसा राम राज चाहिए? बताइए राम मंदिर, राम मंदिर किसी और के राज्य में बना था? देखिए राम मंदिर अगर आप ये कहें कि किसी सरकार की देन है, बिल्कुल गलत है। राम मंदिर कोर्ट के आदेश के अनुसार बना है, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बना राम मंदिर। आप ये क्या किसी सरकार की देन है? राम मंदिर हम सबके और सारी पार्टियां राम मंदिर का जो इशू है उसे खींचती जा रही थी। हम ये कह रहे हैं इकलौती सरकार है जिसने बनवाया। आप छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने मंदिर बना दिया। क्या जी? हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें स्कूल बना दे, हमें शिक्षक चाहिए, भिक्षक नहीं बनना है। ये सोचते हैं कि बाहर ना, बाहर गरीब आदमी बाहर मंदिर के बैठ के भीख मांगे, ये चाहती है मोदी सरकार और कुछ नहीं चाहती। अरे स्कूल बनाए, स्कूल क्यों नहीं बना रही? बच्चों को रोजगार मिले वो क्यों नहीं कर रही है? बच्चे शिक्षक होंगे रोजगार लेंगे, उनको पता चलेगा। संस्कृति की रक्षा करना भी तो काम है सरकार का, संस्कृति की रक्षा ना करें? करे कौन कर रहा है? सरकार करे, मंदिर भी बनाए, लेकिन साथ में सर्वप्रथम आप भी अपने माँ के बेटे हो, आपको भी रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं होगा तो आपका परिवार नहीं बढ़ेगा, परिवार नहीं पलेगा, बुढ़ापे में उन माँ बापा को अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? ये देश की व्यवस्था है, ये देश की सरकारों की व्यवस्था है। आप सरकार मोदी जी आए तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? आप दिल्ली से ही है?
हाँ हम दिल्ली से ही हैं। कहाँ से, कौन सी विधानसभा, कौन से लोकसभा लगती है आपकी? हमारी लगती है वेस्ट लोकसभा। वेस्ट लगता है, ठीक है। आप इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद चुन के क्यों नहीं गया दिल्ली से? 7 सांसद लड़वाए थे, विधायक तो दे दिए, सांसद नहीं दिए, क्यों? आप ये सोचो कि बच्चा पैदा हो जा रहा, पैदा होते ही दौड़ ले, कभी संभव होगा ये चीज? नहीं, देखिए वोटिंग पैटर्न को समझिए, सुनिए सुनिए, छोड़िए, यहाँ मुद्दा रोजगार है। आपको जब मुख्यमंत्री चुनना था, आपको जब मुख्यमंत्री चुना था, अरविंद केजरीवाल बढ़िया है, लेकिन जब आपको सांसद चुनने थे तो आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं है, क्यों? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया होता तो वहाँ पे पॉलिसी बनती। रोजगार मुद्दा है, जंतर मंतर पर रोजगार मुद्दा है, ये रोजगार के बैनर। आपने सांसद नहीं चुन के दिए, आया हुआ है, आप इनसे बात करिए ना, आप इनसे पूछिए, हमसे पूछिए, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए पूरी बात, कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जाती सरकार के द्वारा जिस पर ठोस कदम उठाए जाए, बच्चों को रोजगार भी दिया जाए। सुनिए, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, ठीक है, ये एक बात क्लियर कर लेते हैं पहले। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने बीजेपी के अलावा कोई सांसद चुन के दिए होते तो वो आपकी आवाज लोकसभा में उठाते और पॉलिसी बनाने में कंट्रीब्यूशन देते, आपने वो सांसद ही नहीं चुन के दिए। जब विधायक चुनने की बारी है, पहले 67 फिर 62, अच्छा खासा बहुमत दिया, लेकिन जब सांसद चुनने की बात आई लोकसभा के लिए, तब आपने एक भी लोकसभा सांसद नहीं दिया। ये जनता का विश्वास होता है और जनता आज भी, यानी आम आदमी पार्टी अपना विश्वास नहीं दिखा पाई पर, जनता आज भी आम आदमी पार्टी पर बहुत विश्वास करती है। समय के साथ ये भी हो जाएगा, जिसकी मांग आप कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद होते, आप देखिए आगे आगे आम आदमी पार्टी के सांसद भी बनेंगे, ठीक है। और आज सबसे ऐसी पार्टी है जो सबसे नई पार्टी है, उसके इतने राज्यसभा में सांसद पहुंच गए, ये कम बड़ी बात नहीं है। किसके बल पर? शिक्षा, स्वास्थ्य और ईमानदारी के, कट्टर ईमानदारी के बल पर पहुंचे हुए हैं ये सब लोग। इतना आसान नहीं है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। इतने सारे नेताओं के खिलाफ इतनी रेड क्यों पड़ रही है फिर? बिना आपके धुआं थोड़ी उठता है। बिल्कुल हाँ उठता है, जहाँ मोदी साहब जैसे लीडर होंगे इस देश में, मोदी साहब जैसे नेता होंगे, तो बिना आग के भी धुआं उठा देंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप बात कर रहे हैं मोदी साहब की, आप मतलब कहीं ना कहीं फेवर ले रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा। मैं किसी का फेवर नहीं लेता, ना आम आदमी, ना अरविंद केजरीवाल मेरे सगे, ना मोदी साहब मेरे सगे, ना राहुल गांधी मेरा सगा, सिंपल। लेकिन देश के लिए तो आप कह सकते हो ना, जहाँ हमारे देश के युवाओं में महिलाओं का सम्मान नहीं, अभी एक महिला के 7वां बलात्कार किया था उन लोगों ने जी, उनके घर परिवार वालों की हत्या की थी, उन लोगों का बरी कर दिया, किस बेस पर? किस बेस पर? अगर बलात्कार करने के बाद अपना चरित्र, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण थे और हमने चरित्र उनका अच्छा था, उनका व्यवहार अच्छा था, इसलिए बरी कर दिया। अरे धिक्कार है ऐसी सरकार को जो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, गद्दी के लिए एक महिला की इज्जत को तार तार करके और हत्या करवा के भी उनको रिहा कर दिया गया। क्यों? उनके माला डलवा दी गई। क्यों? महिलाओं का यही सम्मान है मोदी जी के राज में, यही सम्मान है मोदी जी के राज में, है कि आप रेप करवाओ, आप हत्या करवाओ, उसके बाद इस पूरी बात पे मैं आपका समर्थन करता हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं तो आप देश के किसी भी एक नागरिक के साथ तो खड़े हो जाइए, इस सरकार को आप चला रहे हैं 10 साल से, कहीं तो आप खड़े हो जाइए, कहीं महिलाओं के साथ खड़े होइए, कहीं युवाओं के साथ खड़े होइए। युवा नौकरी मांगते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, पेपर लीक कर दिया जाता है, अब से पहले तो ये सब चीजें नहीं होती थी, ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? है आपने अग्निवीर योजना लेके आ दी, जो बेचारे बरसों से बड़ी मेहनत करके तैयारी करते थे, फौज में गर्व होता था हर माँ बाप को, मेरा बेटा फौज में जाएगा, आपने उसकी मर्यादा ताक पर रख दी, आपने हमारी डिफेंस को जीरो करके दिखा दिया। अरे मोदी जी और अमित शाह जी, अगर आप जैसे लोग होंगे ना तो देश में जो हालात हो रहे हैं उससे ज्यादा होंगे, वो वक्त दूर नहीं है जो देश की जनता जिस दिन जगेगी और आपको इस राजगद्दी से उतार कर फेंकेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये लोगों के विचार थे। इस देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि 28% युवा जो वर्कफोर्स में शामिल होना चाहते हैं वो बेरोजगार हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का प्रोवाइड किया हुआ डेटा है। आईटीआई लगाने के बाद जो जवाब सामने आए तो पता चला कि देश के 28% युवा जो है वो बेरोजगार हैं। उसी बेरोजगारी के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन हो रहा है
और ऐसे ही कहानियां, ऐसे ही सवाल हम आप तक रोज लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।